हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ट्यूसी मेरा नाम है निखिल शर्मा सो so, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जी हाँ जैसा नाम ये बोल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को राइट right? सो मोल सेप्ट क्या करूंगा ना बिफोर स्टार्टिंग दिस वन शॉट जे डबल नीट सीरीज के एमसीक्यूज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को जरा पहले समझ लेंगे मोल कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको इतने सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आप पहली बार भी देख रहे हो तो आप चीजों को समझ जाएंगे डोंट वरी एंड उसके बाद में मैं आपको जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी मोलैरिटी उसका भी क्विक रिविजन करवा दूंगा

मुझे बताइए बिफोर स्टार्टिंग विद द मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या वन डजन वन डजन एप्पल बोलो वन वन डजन डजन ऑरेंज बोलो बनाना बोलो इट इज ऑलवेज ट्वेल्व मतलब वन डेकेड मतलब कितना स्टूडेंट्स टेन वन सेंचुरी का मतलब कितना वन सेंचुरी वन सेंचुरी मीन्स वॉट हंड्रेड इज वैसे ही वन मोल का मतलब क्या होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री इट इज जस्ट नंबर जैसे एक डजन बारह होता है वैसे ही वन मोल सिक्स पॉइंट टू ट्वेंटी थ्री अगर मैं आपको डजन ऑरेंज तो इसका मतलब क्या ट्वेल्व ऑरेंज बट अगर मैं आपको बोलूँ वन मोल ऑफ ऑरेंज तो उसका मतलब क्या सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री ऑरेंजेस बातों में आ रही है अभी नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करता है अब इस मोल कॉन्सेप्ट को आगे कैसे अप्लाई करें सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलू मास ऑफ़ वन कार्बन एटम तो क्या मास होगा उसका एक सिंगल कार्बन एटम है एटॉमिक मास कितना है ट्वेल्व हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं ट्वेल्व ए ट्वेल्व टिक मास यूनिट बिकॉज एक सिंगल एटम का है बट सर ये AMU में चीजें समझ में नहीं आती हम जब ग्राम्स या किलोग्राम्स में चीजों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई एग्जैक्टली क्वान्टिटी कितना है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मास ऑफ ऑफ मोल कार्बन ऐटम बोले तो कितने कार्बन एटम स्टूडेंट एक एटम का कितना है ट्वेल्व ए एमयून डट इन टू वन मोल मतलब कितने सिक्स पॉइंट जीरो बट दिस इन ए एमयू ना हमें तो ग्राम एम यू कितना सो वेन यू कैलकुलेट यू विल गेट ट्वेल्व ग्राम्स एंड so ये एक मोल का है वन मोल का है तो यहाँ पे मैं पर मोल लिखता हूँ क्लियर सेम तरीके से अगर आप मास ऑफ वन

एक एटम की जब बात करते हैं तो एमयू में आता है बट वहीं पे एक मोल बोल दोगे तो ग्राम्स में आ जाएगा। ऊपर 12, 12 ग्रामीण चलिए तो आप इसको लिख लीजिएगा सो पहले एक काम करिए इसको नोट डाउन करिए फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं जिससे हमारा मोल कॉन्सेप्ट और ब्रशअप हो जाएगा इसको नोट डाउन करें कर लिया ठीक है सो दिस पार्ट अब क्या करते हैं चलिए अभी मैं आपको देता हूं कैलकुलेट मोलार मास मोलार मास का मतलब क्या मास ऑफ वन मोल मोलार मास ऑफ दी फॉलोइंग जैसे सबसे पहले ले लिया सी एच फोर सी एच फोर का मास कितना आएगा है देखते हैं कार्बन का कितना है स्टूडेंट्स ट्वेल्व और हाइड्रोजन का इतना है? एक हाइड्रोजन का वन है चार है तो फोर आंसर क्या आएगा सिक्सटीन ए एम यू लिखो आएगा ओके आसेट, आसेट, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो कितना आएगा सी एस थ्री सी ओ एच इसमें आएगा आंसर सिक्सटी ग्राम्स आएगा अगर थर्ड में बोलो यूरिया वूरिया एन एच टू सी डबल बॉन्डो एन एच टू या तो ऐसा लिख सकते हो सी एच टू ओ एन टू हम्म एच टू नहीं एच फोर आएगा ना एच फोर ओ एन टू तो इसका भी मास निकालो कितना आएगा वीडियो को पॉज करके देखिए इसका भी आंसर आएगा सिक्सटी ग्राम्स एच टू एस ओ फोर ले लो एच टू एस ओ फोर को कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके नाइनटी एट ग्राम्स आएगा सबका ऐड करते जाओ सो so, ये हो गया क्या मोलार मास क्लियर तो so, आप अगर इलेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको और ब्रशअप हो रहा होगा और रिविजन हो जा रहा होगा आपका अगर ऐसा बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है सबसे पहले इन इन एट ग्राम्स ऑफ सी एच फोर तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स गिवन मासवन मास कितना है एट और सी एच फोर का मोलार मास कितना है सिक्सटीन तो कितने हो गए हाफ हो गए ना दूसरा वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच तो नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन मास कितना है 120, और मास कितना है सिक्सटी तो नंबर ऑफ मोल्स कितने सिंपल है है कि नहीं चलो अगर ऐसा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर मॉलिकूल मॉलिक्यूल सबसे पहले टू मोल्स ऑफ एनओ बड़ा सिंपल है सोच लिया आपने क्या आंसर आएगा देखो वन मोल में कितना होता है वन मोल में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स होता है तो टू मोल में क्या होगा इन टू टू अभी ऐसा आया अगर कैलकुलेट नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 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 तो आ, ऐसा दे दिया अगर सपोज 90 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इस, इस तरीके से दे दिया स्टूडेंट C6H12O6 तो क्या आएगा सोचिए आप सबसे पहले क्या करो कुछ भी पूछा हो पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन इसका मास कैलकुलेट करो आप लोग वीडियो को पॉज करके आएगा सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया हाफ नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ दिया फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बताओ हाफ इंटू एक, एक मोल में कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा नंबर ऑफ ओ एटम्स पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिख देता हूं हाफ इंटू सिक्स जीरो मल्टीप्लाइड क्लियर तो देखो सीक्वेंस क्या है समझो नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा है तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढो उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स ढूंढो बात समझ में आ रही है सो so, ये क्विक जन था एक तरीके से सो मोल कॉन्सेप्ट तो ठीक है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा एज ए रिविजन क्योंकि मेन तो हम एमसी करेंगे इसके बाद मोलारिटी मोल फ्रैक्शन इसका मैं आपको क्विक दे देता इसको नोट कर लो पहले आप लोग अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम समझते हैं तो सबसे पहला स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है दैट इज परसेंटेज बाई मास वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज बाई मास जैसे अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज बाई मास ऑफ सल्यूट निकालो ओके okay? सबसे पहले देखो एक सल्यूशन बनता कैसे है सपोज यहां पर एच टू वो है उसके अंदर आपने क्या डाल दिया उसके अंदर आपने एनए डाल दिया और क्या बना दिया सल्यूशन तो एनए तो थोड़ा सा क्वांटिटी में है ना सो दिस इज योर सोल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन तो सोल्यूट का कितना परसेंटेज है वो ढूंढना है परसेंटेज बाय मास तो क्या होगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में टोटल लेता है ना सोल्यूशन इंटू हंड्रेड अब देखो ये तो कोई फॉर्मूला तो कोई भी रट्टा मार लेता है स्टूडेंट बट हमेंटी परसेंट मतलब NaCl सोलूशन बताओ इसका मतलब क्या अभी बस सोचो मतलब <laughs> okay? बता तो नहीं सकता है। वीडियो लेक्चर की यही खास बात है इंटरेक्शन नहीं होता कैमरा से बात करता रहता हूँ बट दिस इज अ वेरी गुड मोड कि पूरी दुनिया तक आप अपनी टीचिंग्स फैला सकते हो वेरी नाइस ठीक है इमोशनल हो रहा हूँ जान दो आगे ट्वेंटी इसका मतलब ये होता है या तो ऐसा भी बोल सकते हो ना ट्वेंटी ग्राम ऑफ ओ ओ ओ क्या बोल सकते हो ट्वेंटी ग्राम ऑफ एन ए सी एल इज प्रेजेंट इन एटी ग्राम ऑफ वाटर ना हंड्रेड पूरा सोल्यूशन उसमें से ट्वेंटी हटा दो तो अस्सी ग्राम पानी बचाना

नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फॉर्मूला तो कोई भी याद रख लेता यार टू मोलार एक्स एनए सोल्यूशन सोचो इसका मतलब क्या सोच लिया टू मोलार का मतलब क्या टू मोल्स ऑफ एनए इज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन अगर मैं बोलू फाइव मोलार तो फाइव मोल्स इन वन लीटर क्लियर है ठीक क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ना टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा इज एन गाइस यहां पे जगह है तो एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग थर्ड हम लिख हम लिख बात कर रहे हैं नॉर्मैलिटी के बारे में ठीक है नॉर्मैलिटी एन तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू

अब बच्चा यहाँ पे सॉरी इक्विवेलेंट मास क्या है अरे मेरे माय डियर पे अटेंशन H2SO4 का मोलार मास है 98 तो इसका इक्विवेलेंट मास है 98 डिवाइडेड बाय 2 2 क्यों क्योंकि ये दो H+ आयन डोनेट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो इसका मोलार मास है 74 तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 74 डिवाइडेड बाय 2 क्यों सर 2 अरे दो OH- डोनेट करता है राइट right? तो ये याद रखना okay? Acidity and basicity से हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो ज़्यादा में नहीं, बट एक overview दे दिया मैंने आपको। Next. Fourth, बात करते हैं छोटा ओके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, याद रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्योंकि यहाँ पे मास है ना ओके okay? तो अगर मैं आपको बोलू फोर मोलाल 21 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एसीओएच मतलब एसिटिक एसिड तो इसका मतलब क्या है फोर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है सॉल्यूशन नहीं है चलो मोलैलिटी भी हो गया मोलैलिटी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नहीं हाँ ले लेते बी विल बीवल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फ्रैक्शन है ना अगर ए के लिए निकाला तो एन ए डिवाइडेड बाय प्लस एन बी तो बताओ एन ए प्लस एन बी का एक्सए प्लस एक्सबी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज वैल्यूज तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है जीरो पॉइंट थ्री तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.7 क्योंकि टोटल पे 1 आना चाहिए ऑलराइट सो स्टूडेंट्स ये बेसिक्स हो गए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर तो आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट को समझते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट जैसे स्टूडेंट्स C O2 गिव्स यू CO2 लेट्स दिस इज द रिएक्शन कार्बन का मास कितना है स्टैंडर्ड ये कितने मोल रिएक्ट कर रहा है वन मोल इज रिएक्टिंग विध वन मोल टू गिव यू वन मोल ऑफ सी टू कार्बन का कितना मास है यहां पे ट्वेल्व ग्राम्स है ऑक्सीजन का थर्टी टू ग्राम्स है और ये कितना फोर्टी फोर ग्राम्स बन रहा है दिस इज द स्टैंडर्ड दपोज क्वेश्चन में दिया है कि हमने भैया बारह ग्राम कार्बन लिया है और सोलह ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा क्वेश्चन की सर मैं ट्वेल्व ग्राम कंसिडर करके सीओ टू का मास ढूंढू या थर्टी टू ग्राम कंसिडर करके सीओ टू का मास ढूंढू आंसर इज जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा मतलब जो लिमिटिंग रियजेंट है उसके बेसिस पे आप आंसर ढूंढूंगे लिमिटिंग रियजेंट सर मतलब क्या देखो स्टैंडर्ड कितना है ट्वेल्व ग्राम तो यहां पर ट्वेल्व भी लिया है यहां पे स्टैंडर्ड कितना है थर्टी टू बट यहाँ पे कितना लिया है सिक्सटीन तो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसको लेजर वैल्यू लिया है ना कम क्वांटिटी लिया है सो दिस बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट तो ये के बेसिस पे आप सीओ टू का मास ढूंढोगे कैसे सर देखो स्टैंडर्ड क्या है थर्टी टू ग्राम ओ टू गिवर्टी फोर ग्राम सी ओ टू देर फोर सिक्सटीन ग्राम ऑफ ओ टू विल गिव यू एक्स ग्राम ऑफ सीओ टू और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो

नंबर ऑफ एटम्स इन फाइव फाइव एट पॉइंट फाइव ग्राम एफ देखिए इसका एटोमिक वेट कितना है right? तो मतलब कितना हो गया वन मोल हो गया ना तो फाइव फाइव एट पॉइंट फाइव का मतलब क्या हो गया टेन मोल्स हो गया और टेन मोल्स में कितने टेन मोल इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री

वन मोल कार्बन कितना ग्राम होता है स्टूडेंट्स बारह ग्राम होता है तो सिक्सटी ग्राम मतलब कितना मोल फाइव मोल हो गया ना बट इन्होंने क्या बोला ट्वाइस मतलब फाइव मोल नहीं इसका इंटू टू टेन मोल्स तो टेन मोल्स का मतलब क्या जो क्वेश्चन में दिया है वही मैच कर गया ना सो ए इज अवर आंसर ठीक है इन द कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन नाइन इज टू वन इज टू थ्री पॉइंट फाइव बाई वेट मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज हंड्रेड एंड एट इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज एक तरीका तो ऐसा है कि हंड्रेड एंड एट सबका मोलर मास निकालो और हंड्रेड एंड एट कौन सा है वो चेक कर लो नहीं तो सबका हम रेशियो निकाल सकते हैं जैसे ए में कितने कार्बन स्टूडेंट्स दो तो ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर इज टू सिक्स इज टू ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट बी में कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इज टू फोर इज टू फोरटीन C में कितना हो जाएगा सेवेंटी टू इज एट इज टू ट्वेंटी एट चलो एटलीस्ट इसका करके देखता है तो हमें बीच में हाइड्रोजन शुड बी हाइड्रोजन शुड बी वन तो सबको सिक्स से डिवाइड करके देखते हैं तो इसको सिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर जा बट नहीं यहां पे तो नाइन दिया है ना सो so ये नहीं आएगा अपना आंसर अभी बीच में हाइड्रोजन है सबको फोर से डिवाइड करके देखते हैं ओके तो ये तो नाइन जा, जा रहा है हु? और ये वन जा हो रहा है और ये कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव तो ये तो मैच कर रहा है ना थ्री पॉइंट फाइव कितना बराबर है थ्री जा थ्री पॉइंट फाइव सो दिस रेशियो इज मैचिंग बट इसका मोलार मास भी देख लेते हैं कि हंड्रेड एंड एट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सबको अगर ऐड करें थर्टी सिक्स प्लस फोर बट इसमें हंड्रेड एंड एट नहीं आ रहा है ना ये दिक्कत हो रहा है रेशियो तो मैच हो रहा है बट मास नहीं आ रहा है ओहो हो -ओ -ओ। चलो यहाँ पे देखते हैं एट से डिवाइड करके देखते हैं तो एट कितने जैनटी टू एट नाइन जै ना नाइन वन और ये कितने जा थ्री ज्वेंटी फोर थ्री पॉइंट फाइव के अराउंड आएगा और इसका मास अगर ऐड करें ये एट्टी हो रहा है हंड्रेड एंड एट येस यहाँ पे आ रहा है हंड्रेड एंड एट स्टूडेंट्स तो सी इज अवर आंसर तो देखो ये मिस्टेक ना करो आप लोग ओके इसमें रेशो तो आ गया बट मोलार मास मैच नहीं हुआ Okay. सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए मैग्नीशियम इज एम जी टू प्लस और फॉस्फेट क्या होता है PO4 फोर पे थ्री माइनस होता है तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी से क्या आ गया एम जी थ्री पीओ फोर ट्वाइस राइट ना वन मोल ऑफ दिस मैग्नीशियम फॉस्फेट एम जी थ्री फोर ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन एटम्स है कितने हैं कितने मोल है एट है ना सो एट मोल ऑक्सीजन एटम्स अपने को कितना मोल पूछा है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव का मतलब क्या स्टूडेंट्स वन बाई फोर ना

राइट सो right. so, बड़ा सिंपल है एट मोल ऑक्सीजन एटम्स थे तो वन बाई फोर ऑक्सीजन आएंगे आप वो एक्स लेके क्रिस क्रॉस करके वैसा भी कर सकते हो ओके होलिये अग्शियस हाइड्रोकार्बन गिवस अपॉन कंबेशन जीरो पॉइंट सेवन टू ग्राम ऑफ वाटर एंड थ्री पॉइंट जीरो एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो वॉटर दिया है स्टूडेंट्स कितना जीरो पॉइंट सेवन टू ग्राम तो वाटर से कौन सा एटम मिलेगा हाइड्रोजन एटम पता चलेगा ना तो देखिए H2O का मोलार मास कितना है 18 ग्राम 18 ग्राम H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो 0.72 ग्राम H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा तो x is to कितना है स्टूडेंट्स 0.72 2 divided by 18 हैं अभी नेक्स्ट क्या पूछा है हाँ, सीओ टू ना सीओ टू कितना दिया है इन्होंने? इसको मैं लाइन मार देता हूं पहले यहां पे। थ्री पॉइंट जीरो एट ग्राम ना मुझे बताइए सीओ टू का मोलार मास कितना होता है फोर्टी फोर ग्राम सीओ टू में कितना ग्राम कार्बन है बारह ग्राम कार्बन है ना तो 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में x ग्राम कार्बन होगा तो x 3.08 yeah? so, इसका आपको मिल गया अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप इन दोनों का जो रेशियो निकालोगे जो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा अब यहाँ पर आपको आंसर आना चाहिए डी सो so, मैंने आपको तरीका बता दिया स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आपको डी आया है कि नहीं ओके okay? मास मैंने कैसे ढूंढना है बता दिया सिर्फ आप इसका रेशियो ले लो तो आपको सेवन इज टू एट आएगा सो योर फॉर्मूला विल बी सी सेवन एच एट राइट सो यहाँ पे चार क्वेश्चन किए एंड अगर आप अच्छे से देखो तो चारों के चारों क्वेश्चन का सॉल्व करने का या जो अप्रोच है वो सबसे सब में अलग ही था ओके okay? ये चैप्टर ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि क्वेश्चन आ जाता है बट अप्रोच क्या रखे तो हम इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना उससे इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया चलो अभी थोड़ा आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना है चलो अब इसको नोट डाउन करें सो स्टूडेंट्स तीन और एमसीक्यू से आप फटाफट सॉल्व करिए फिर हम इसे डिस्कस करते हैं दर आर लॉर्ड ऑफ एमसीक्यू टू सॉल्व ओके सो फिफ्थ वन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैशियस मिक्सचर इज टू इनके का 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 दिया दिया है, है, देखो स्टूडेंट्स, मतलब 10 23. तो molecules का रेशो ले या number of moles का रेशो ले? दोनों सेम चीज है ना रेशियो तो सेम ही आएगा ना सो so, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो लेने बोले आप मोल्स का रेशियो निकाल लो वही आंसर आएगा सो so, क्या दिया है आपको वन इस टू फोर दिया है ना वन इज फोर यह किसका है ऑक्सीजन के लिए है ये है नाइट्रोजन के लिए ओ टू एंड एन टू गैश दे लिखना पड़ेगा बट दिस इज बाई मास अभी मोल्स में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मास तो वन डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है थर्टी टू और इसका कितना है ट्वेंटी एट ओके ट्वेंटी एट को वो साइड ले लेता है फोर so, कितने सा जाएगा सेवन uh, जा so, मोल्स so, का रेशियो निकाल लो आंसर वैसे ही बड़ा सिंपल है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाई मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर ऑक्सीजन इतना परसेंट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वेट विच अवेंटी फाइव के जी पर्सन वुन वुन इफ ऑल एच वन एटम्स दिया यहाँ पे इसका एटोमिक इस वन यहाँ पे इसका एटोमिक इस डबल हो गया है तो हाइड्रोजन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टेन परसेंट जो इंसान है हेल्दी इंसान है उसका सेवेंटी फाइव परसेंट 10 परसेंट ऑफ 75 के जी कितना हो गया हाइड्रोजन के वजह से 7.5 जी आ रहा है किसके वजह से फ्रॉम हाइड्रोजन अगर H1 के बदले सब लोग H2 हो गए मतलब मास डबल हो जाएगा ना तो सेवन सेवन पॉइंट फाइव और ऐड हो जाएगा बराबर के नहीं तो कितना गेन पूछा है ना एट द वेट विच अ सेवन परसेंट वुड गेन बोला है ना तो गेन बोला है तो सेवन पॉइंट फाइव और गेन करेगा तो सी इज अवर आंसर इजी क्वेश्चन वन ग्राम ऑफ एम टू सीओ थ्री वन ग्राम ऑफ एम टू सीओ थ्री कार्बोनेट दिया है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ एच सी एल ओके प्रोड्यूस कार्बन डाइ ऑक्साइड तो देखो कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो यह मेटल क्लोरीन के साथ भाग जाएगा एम सी एल बनाएगा टू टाइम्स प्लस आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस मिलेगा एच टू ओ सो वी आर इंटरेस्टेड इन द वेट ऑफ एम टू सीओ थ्री एंड सीओ टू उसके पहले यहां पे कितना मोल्स स्टूडेंट्स ये बन रहा है कितना मोल है ये वन मोल है ना राइट सो दिस इज वन मोल और सीओ टू कितना बन रहा है ये भी वन मोल बन रहा है ना वन मोल मतलब कितना मास मोलार मास ना और इसका कितना मास फोर्टी फोर ग्राम तो याद रखिए मास ऑफ एम टू ओ थ्री ऑन रिएक्शन विद एच सी एल प्रोड्यूस फोर्टी फोर ग्राम ऑफ सीओ टू दिस इज स्टैंडर्ड दिस क्वेश्चन में क्या दिया है? ये वाला तो स्टैंडर्ड था क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका वन ग्राम दिया है स्टूडेंट और वन ग्राम से कितना मोल मिल रहा है हमें जीरो पॉइंट जीरो मोल ऑफ सीओ टू मिल रहा है इसका मास में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या करेंगे 44. अभी क्रॉस कर देता ना वन मोल से फोर्टी फोर मिल रहा है तो वन ग्राम से ये मिल रहा था बोले तो मास ओके okay? तो टेल मी एम विल इक्वल टू वन इंटू फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे into 44. 44, 44 गया, बचेगा क्या स्टूडेंट्स, इसको क्या कर लेते वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन एट सिक्स कितना दो डिजिट आगे किया ना तो ऊपर हंड्रेड आ जाएगा 1.1 जीरो 0.9 नाइन इंटू ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 90 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए ऐसा कोई है 90 के अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है ना दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर क्लियर सो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड uh, का कंपेयर करके गिवन के साथ कंपेयर करके हमने आंसर निकाल लिया डन सो मोल कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा स्ट्रांग है तो ये चीजें आसान होगी और मोल कॉन्सेप्ट पहले से ही कच्चा था तो थोड़ा सा समझने को क्वेश्चन को समझने को फिर सोल्यूशन को समझने के लिए टाइम जाएगा सो डोंट वरी आप दो तीन बार उस सोल्यूशन को देखिए चीजें समझ में आ जाएंगी सो सोन वी हैव थ्री मोर ब्यूटीफुल एम सक्यूज हियर फटाफट आप इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स सिंसियरली सॉल्व करिए यार वीडियो को पॉज करके तो ही मैक्सिमम एफिशियंसी आएगा करें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस वायरस सुनते ही मुझे गुस्सा आ रहा है एंगर ओके आप सबको आ रहा होगा ठीक है कोई बात नहीं गुस्से को काबू रखते हैं ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हैं नहीं तो रॉन्ग आने के चांसेस है ध्यान दीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल ए सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू माइनस टू सेंटीमीटर की बोले तो एम पर ग्राम whose radius and length is 7 angstrom unit and 10 angstrom unit find molecular weight of virus virus ka molecular weight nikalna hai chalo dekhte hain kaise solve karenge so आपको तो answer आया होगा I'm sure, but बट आप फ्लो देख लो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वायरस क्या होगा सिलेंडर क्या होगा ही? पाई r2 h होगा तो पाई कितना है R दिया है दिया सेंटीमीटर में करना है ना तो सेवन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन रेस टू माइनस एट तो कितना आ जाएगा भाई ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्सटीन इंटू ये क्या हो जाएगा टेन रेस टू माइनस सेवन 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 तो गया ये कितना आ जाएगा फोर फिफ्टीन फिफ्टी फोर इन टू टेन टू माइनस ट्वेंटी बट ये तो आ एम एल में ना एम एल में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में रखा ना सेंटीमीटर क्यूब बोल लो या एम एल बोल दो कोई दिक्कत नहीं है हु? अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम पर ग्राम ये देखो यहां पे यूनिट दिया ना पर ग्राम ओके या तो ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन वायरस तो बताओ वेट ऑफ वन वायरस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम तो बताइए कितना वॉल्यूम है हमें कितना वॉल्यूम आया वन फिफ्टी फोर इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी थ्री और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया, गी दिया है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस टू माइनस टू ओके ये कैलकुलेशन बाद में देखिए वेट ऑफ वन वायरस ओके अगर ये तो वेट ऑफ वन वायरस अगर वेट ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी वायरस निकाला तो वो तो मॉलिकुलर वेट हो जाएगा ना तो देर फोर मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू ये वैल्यू में लिखता हूँ वन फिफ्टी फोर इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस है Yes. 6.02 गया 6.02 गया 10 रेज टू माइनस ट्वेंटी थ्री टेन रेज टू ट्वेंटी गया 10 रेज टू माइनस टू को ऊपर ले लेता हूँ 154 फिफ्टी फोर इंटू टेन रेज टू टू हो जाएगा बट दिस विल बी इन ग्राम तो वन फिफ्टीन पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू थ्री ग्राम दैट इज 15.4 पॉइंट फोर आ जाएगा ना 15.4 पॉइंट फोर के जी आंसर इज बी ओके okay? तो यहाँ पे देखो पूरा खेल यहीं पे था स्टूडेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन वायरस ओके एक वायरस का वेट आपको डिवाइड करना था आगे बढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एंड ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के मुझे बायोकेमिस्ट्री का याद आ रहा है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ही ऐसे क्वेश्चन करते हैं वायरस के बारे में बात करते हैं एनजाइम्स के बारे में बात करते हैं ठीक है परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन 0.5 ग्राम ऑफ एंजाइम जीरो पॉइंट का यह मतलब है. मॉलिकुलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एंड्रेस एनजाइम देखो अगर ये बहुत बड़ा एंजाइम है तो एंजाइम के अंदर एक सिलेनियम बैठा होगा दिस होल थिंग दिस इज वन एंजाइम ना बराबर ये तो ऐसे समझे ऐसे समझते हैं सिलेनियम के एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट 78.4 दिया है विच विल बी इक्विवेलेंट टू एंजाइम का मोलिकुलर मास ना बराबर की नहीं क्योंकि एक एंजाइम में एक सिलेनियम है ना तो मतलब इसके एक मोलार मास में इसका एक एटॉमिक मास या मोलार मास होगा क्लियर है So, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा टू हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट सेवन एट फोर जीरो इंटू टू हम्म ऐसा कैसा आएगा जीरो हो जाएगा एट सिक्सटीन फिफ्टीन ये आ रहा है मुझे दिस इज इन ग्राम्स तो व्हाट इज द राइट आंसर एक दो तीन चार सी इज अवर राइट आंसर क्लियर तो इसमें है, ये वाला इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि एक मोलार मास एंजाइम के अंदर एक एटॉमिक मास सिलेनियम होगा

डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा थर्टी टू प्लस फोर्टीन थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स हो जाएगा ना इफ एम नॉट रंग हाँ फोर्टी सिक्स हो जाएगा विच इज वन बाय वन बाई थ्री अप्रोक्सीमेटली आएगा ओके okay? यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थर्टी टू दैट इज वन बाई टू तो सब देखो तो वन बाई फोर वन बाई थ्री वन बाई टू है एंड दिस इज वन तो ये मैक्सिमम वैल्यू है सो बी इज अवर आंसर So, क्योंकि जितना ज्यादा मोल्स होगा उतने तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ना क्लियर सो so, ये रहा स्टूडेंट एक दो तीन और एमसीक्यू तो so, दस एमसीक्यूज हो गए अभी तक सो so, फटाफट इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं थ्री मोर एमसीक्यूज बट सिंपल वन है एज कंपेयर टू प्रीवियस ये सारे सिंपल है ट्राई करिए डन 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 ठीक है तो पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है भैया किसमें है तो मैंने क्या बोला था मॉलिक्यूल्स ढूंढना है तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो तो देखो यहां पे क्या दिया है स्टूडेंट्स लीटर में दिया है अभी आपको पता होना चाहिए कि वन मोल मतलब कितना लीटर 22.4 लीटर तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 15 डिवाइडेड बाय 22.4 क्लियर इसमें फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इसमें ग्राम्स में दिया है तो गिवन मास अपॉन इसका मोलार मास क्या होगा टू इसमें ग्राम्स में दिया है गिवन मास और इसका मोलार मास क्या है थर्टी टू अभी यहां पर ना सबका डिवाइड करके फिर फाइनल वैल्यू मैच करने से अच्छा वो दो दो को कंपेयर करता है अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर है ठीक है तो न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है वो देखना ये न्यूमरेटर बड़ा है ना तो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वन इज बिगर क्लियर अभी देखो यहां पर मल्टीप्लाइड है? है. तो और मल्टीप्लाइड बाय 11 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 5 .5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा तो अभी डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम हो गया बट इसका न्यूमरेटर इज स्टिल वेरी स्मॉल ये 5 पॉइंट और ये तो 15 है तो मतलब सी भी नहीं आएगा क्लियर अभी ये क्या हो गया इफ यू सी इसका डिनोमिनेटर इज थर्टी टू एंड न्यूमरेटर इज ओनली टेन इसका ट्वेंटी टू पॉइंट फोर है बट न्यूमरेटर बड़ा है ना फिफ्टीन है सो so, इन दोनों के कंपेरिजन में देख के लग रहा है कि ए विल एज द मैक्सिमम वैल्यू क्लियर देखो टाइम कैसे बचाना है मैं आपको बता रहा हूं सबको डिवाइड नहीं करते बैठो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो बिगर वैल्यू पता चल जाएगा चलो एन एलिमेंट एक्स है फॉलोइंग कॉम्पोजिशन एक्स टू हंड्रेड मास है तो बच्चे गलती क्या करते हैं एवरेज में 200 हंड्रेड प्लस प्लस टू हंड्रेड टू बाई थ्री कर देते है. नहीं ऐसा नहीं करना है तो एवरेज एटॉमिक मास इसका मास इसका कितना परसेंटेज है 90 100 करते और कितना मास है टू प्लस इसका कितना है एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू वन नाइनटी नाइन प्लस इसका कितना है टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू दो सो दो अभी ये तो बड़ा आसान है जीरो जीरो गया, जीरो सो वन एटी यहां पर हो गया स्टूडेंट्स प्लस अभी यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया है काश अगर ये टू हंड्रेड होता ना तो काम आसान हो जाता देखो मैं अप्रोक्सीमेशन कैसे करता हूं और उससे मुझे राइट आंसर आएगा देखो मैं क्या करता हूँ 199 के बदले इसको मैं 200 लिखता हूँ अगर मैं 200 लिखता हूँ तो ये तो कैंसिल हो गया ना तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स uh, 16 आ रहा है बट सिंस मैंने 199 को एक बिगर वैल्यू कंसीडर किया था तो मुझे आंसर भी बड़ा आया होगा बट आंसर थोड़ा सा छोटा आना चाहिए ओके okay? सो so, मैं इसको ले आ, क्या ले लेता हूँ फिफ्टीन ले लेता हूँ पॉइंट मैंने डिक्रीज कर दिया नेक्स्ट एंड जस्ट शोइंग यू द अप्रोच कि मैं किस तरीके से करता हूं अब ये 202 को मैं वापस है 200 कंसीडर कर देता हूं तो 0 0 गया 0 0 गया तो बचा क्या 2 2 4 अब पहले 202 था हमने लेजर वैल्यू कंसीडर किया तो हमें जो आंसर आया वो स्मॉल वैल्यू आया होगा तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पॉइंट 1 बढ़ा देते हैं क्लियर क्योंकि इतना भी नहीं 202 में दो ही तो कम किया था सो so, क्या आंसर आ रहा है 180 वही हो गया ना पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने तो ये ट्वेंटी हो गया आंसर मुझे टू हंड्रेड आ रहा है सो डी इज आंसर आप चाहे तो विदाउट अप्रोक्सीमेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करना वही आंसर आएगा आपको देखना ठीक है बट यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन करना क्योंकि टू हंड्रेड एंड वन टू हंड्रेड एंड टू टू हंड्रेड एंड टू ओके सो दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो आप अगर रिस्क उठाना चाहते हो तो ये अप्रोक्सिमेशन करना नहीं तो नहीं करना एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट्स एलिमेंटल एनालिसिस कार्बन इतना परसेंटेज देखो कार्बन कितना परसेंट है थर्टी एट पॉइंट सेवन वन हाइड्रोजन कितना है नाइन पॉइंट सिक्स सेवन तो बचा हुआ क्या होगा ऑक्सीजन होगा कितना बचा हुआ है एट थर्टीन अठारह फोर्टी एट पॉइंट थ्री एट तो इन दोनों का हो गया तो बचा हुआ कितना होगा फिफ्टी वन पॉइंटी वन पॉइंट सिक्स टू तो ये तो परसेंटेज हो गया ना अभी हम लोग इनका एटॉमिक रेशियो ले लेते हैं एटॉमिक रेशियो तो वो कैसा होगा थर्टी एट पॉइंट सेवन वन डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना है ट्वेल्व 9.67 डिवाइडेड बाय मास क्या है 1 51.62 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इसका वैल्यू कितना आएगा 3.27, 3.2 के अराउंड आएगा इसका तो 9.67 आएगा इसका 3.48 इसका भी 3.2 के अराउंड आएगा तो अभी इन तीनों में अभी हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो अभी इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर क्या है है तो सबको थ्री से डिवाइड कर दो तो इसको टू से डिवाइड किया तो वन आ जाएगा इसको थ्री पॉइंट टू से डिवाइड किया तो थ्री आ जाएगा इसको किया तो वन आ जाएगा तो क्या है कार्बन कितना आ रहा है वन हाइड्रोजन थ्री ऑक्सीजन वन दैट इज सी एच थ्री ओ इज द आंसर वट इज द ऑप्शन ऑप्शन ए क्लियर सो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो राइट right? लिखिए इसको आगे बढ़ते हैं फिर फोर मोर एमसीक्यूज और एक दो एमसीक्यूज तो वापस से सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं ट्राई करिए स्टूडेंट्स फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं ऑल राइट सो फोर्टी द नंबर ऑफ एटम्स इन जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ ट्राइ एटॉमिक गैस ट्राइ एटॉमिक गैस का मतलब क्या जैसे ओ3 हो गया ओके नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना? 0.1 मोल में कितने एटम होंगे 6.022 10 रे टू 23 बट सिंस दिस इज ट्राइ एटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है तो इनटू क्या करना पड़ेगा 3 ओके सो ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा तो 6 into 3 कितना होता है 18 होता है ना तो बट 1.8 10 रे टू 23 दिस वुड बी द आंसर कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है सिंपल चलिए इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज शोन दैट 10 एमएल ऑफ 0.05 मोलार सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड कोई तो क्लोराइड का कंपाउंड होगा रिक्वायर्ड 10 एमएल ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3

एक्चुअली में मोल्स कितना होगा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल्स मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव मिली दिस क्लोराइड कंपाउंड इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना जी एन ओ थ्री ओके नाउ देखो स्टूडेंट्स सिल्वर का वैलेंसी क्या है प्लस वन तो अगर प्लस वन है तो उसके सामने अगर प्लस वन होता तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होते बट यहां पे कितना है 0.5 पॉइंट मिली मोल्स सिर्फ 0.5 काफी है वन मिली मोल को कवर करने के लिए तो बताइए यहां पर चार्ज क्या होगा जो एक्स है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा या क्लोरीन कितने होंगे यहां पे दो क्लोरीन होंगे ना स्टूडेंट्स टू सी एल माइनस नहीं समझा चलो इसको ऐसा समझाता हूं अगर सपोज़ यहाँ पर एक्स के टकले पे प्लस टू चार्ज होता तो इंटू टू करते तो आंसर क्या आता वन और यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या है वन है तो इंटू वन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है वन सो so दोनों का इक्विवेलेंट कब मैच कर रहा है जब मैं यहाँ पर इंटू टू कर रहा हूँ और यहाँ पर इंटू वन कर रहा हूँ इंटू टू कर रहा हूँ मतलब एक्स के टकले पे क्या चार्ज आएगा प्लस टू आएगा ना तो क्लोरीन कितना आएगा एक्स के बाजू में दो क्लोरीन आने चाहिए क्योंकि एक क्लोरीन पे एक ही माइनस होता है सो द फॉर्मूला विल बी एक्स सी एल टू एक्स सी एल टू सी यू गेटिंग माई पॉइंट यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव मोल्स वॉज इक् टू वन मोल तो इसके ऊपर बैलेंस ही क्या आएगा टू और उस हिसाब से हमने फॉर्मूला डिराइव किया

तो मोल्स निकालते ना तो ये मास है डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है टू इसका मोलार मास कितना है 32 इसका मोलार मास कितना है 16 सबको हम 32 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 16 बच जाएगा एम एम MMM एम कैंसिल इधर वन बच जाएगा और ऊपर कितना बच जाएगा टू तो सिक्सटीन वन टू का रेशियो आ रहा है कौन सा आंसर है सी इजी जा रहा है ना मिक्सचर ऑफ गैशेस गैसेस कंटेन एच टू एंड ओ टू गैस इन द रेशियो ऑफ वन इज फोर वेट बाई वेट व मोलारेशियो देखो ना बड़ा सिंपल है वापस सेम टाइप का वन इज फोर का रेशियो है बाई मास ना तो मोलार मास से डिवाइड कर देते का मास कितना है टू ओ टू का कितना है थर्टी टू ये कर देते क्रिस क्रॉस कर दे तो क्या हो जाएगा थर्टी टू इस हो जाएगा फोर इज टू वन है आंसर तो क्या आ रहा है डी सो so, आपको समझ में आ रहा है ये ऐसे जो रेशियो वाले क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए ये दोनों भी नीट में पूछे गए थे इसके पहले वाला जो रेशियो था वो जेई में पूछा गया था सो okay? so, ये रेशियो वाले का प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाइएगा नोट डाउन करें यहां पे तीन और अमेजिंग एमसीक्यू से स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करिए थोड़े से ट्रिकी है बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व चलिए A mixture of X containing 0.02 moles of this complex and 0.02 moles of this complex was prepared in 2 liters. दो लीटर liter में बनाया था, ओलिड. Right? तो दो लीटर में 0.02 मोल्स है, तो बताइए वन लीटर में कितना होगा? 0.01 होगा ना, वन लीटर में. बात समझ में आ रही है? टू लीटर्स में 0.02 है, तो वन लीटर में 0.01. ऑफ द मिक्सचर एक्सेस ऑफ यहाँ पे AgNO3 और यहाँ पे BaCl2 है नाउ यहाँ पे जो काउंटर आयन है ये बाहर जाके क्या बन सकता है Br- ये बाहर जाके क्या बन सकता है SO4 2- hmm? यहाँ पे जो Ag+ है वो किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है हैलाइड्स के साथ बनाता है ना तो Ag विल गो with bromine ब्रोमाइड ओके okay? तो यहाँ पे यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स Br- रिएक्ट करेगा और बेरियम के साथ क्या जाएगा सल्फेट जाएगा एसओ फोर टू माइनस तो यहां पे क्या बनेगा Y क्या बनेगा ए जी बी आर बनेगा और Z क्या बनेगा बी एसओ फोर बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z आर अब देखिए चार्जेस बी आर के ऊपर चार्ज क्या है माइनस और एजी के Ag के ऊपर भी चार्ज क्या है प्लस तो दोनों का स्ट्रोशियोमेट्री सेम हो गया ना या नंबर ऑफ इक्ट सेम हो गया मतलब इसका वन मोल रिएक्ट्स विद इसका वन मोल तो अगर ये 0.01 है तो ये भी 0.01 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा 0.01 मोल देगा बेरियम का चार्ज क्या है प्लस टू तो और इसका चार्ज क्या माइनस टू तो, तो यहां पे भी इक्वेंस सेम हो गया सो इफ दिस इज 0.01 इवन दिस इज 0.01 सो इवन दिस विल बी 0.01 तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है जीरो सो ए इज सो अवर आंसर ओके okay, तो दो लीटर का पहले ध्यान रखना था फिर दो लीटर में उतना है तो एक लीटर में कितना होगा फिर इक्ट बैलेंस देखने थे राइट right? काफी सारे स्टेप्स थे इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली मोलर ऑफ एच थ्री पीओ थ्री एसिड द वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर केस ना आपको यहां पर डायल्यूशन फॉर्मूला पता होना चाहिए डायलूशन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स एन वन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू वी टू नॉर्मैलिटी सो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं मोलैरिटी दिया है ना तो जीरो पॉइंट वन इन टू कुछ तो एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एच थ्री पीओ थ्री के लिए एक्स फैक्टर क्या है टू सर कैसे पता चला इसका स्ट्रक्चर क्या है पी डबल बॉन्डो ओ एच ओ एच एच कितने ओ एच डोनेट कर सकता है एक दो इसलिए इसका एक्स फैक्टर क्या हो गया टू इन टू वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट्स ट्वेंटी एम एल

थ्री एच टू यहां पर मैं डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए आपको बताता हूं कि इसका डी ऑप्शन सही होगा कैसे 11.2 लीटर इलेवन पॉइंट टू लीटर मतलब कितना मोल स्टूडेंट मोल एवरी मोल एवरी मोल मतलब मोल तो क्या बोल रहे हैं ये लोग वन मोल ऑफ एच सी एल एक्वे इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ गैस देखता है इज इज मोल है

So, यहां पे दो तो बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स आपको मजा आ जाएगा ट्राई करिए इसको आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है इन दो एमसीक्यूज से बहुत अच्छे से पता चलेगा अभी इस एमसीक्यूज में तो इस एमसीक्यू में रेडॉक्स का भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्राई करते हैं मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है के टू सी आर टू ओ सेवन क्वायर टू ऑक्सीडाइज 750 फिफ्टी एम एल ऑफ मोर सोल्ट चलो अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है के टू सी आर टू ओ सेवन और मोर सॉल्ट क्या है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं तो याद रखें स्टूडेंट्स के टू सी आर टू ओ सेवन गेट्स कन्वर्टेड इन टू सी आर प्लस थ्री ये रेडोक्स में हमने किया है क्लियर यहां पर जो ऑक्सीडाइज हो जाने वाला पार्ट है वह है एफ एफ ई टू प्लस एफ ई टू प्लस गेट्स कन्वर्टेड इन टू एफ्री प्लस नो यहां पर सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था प्लस सिक्स यहां पर क्या है प्लस थ्री तो डिक्रीज बाय क्या हुआ डिक्रीज बाई थ्री हुआ बट एक्चुअली दो क्रोमियम है ना तो डिक्रीज बाय कितना होगा सिक्स होगा यहां पे इंक्रीज बाय क्या हुआ इंक्रीज बाय कितना हुआ ओनली वन तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है स्टूडेंट्स तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्स से करना पड़ेगा सो so, जो आपका रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एफ ई टू प्लस फेरासॉल्ट लिख सकते हैं आप लोग यहां अमोनिया मोर सॉल्ट मैं यहां पे सिर्फ एफ टू प्लस लिखता हूं क्लियर इसका मतलब क्या वन मोल ऑफ के टू सीआर रियाक्ट विद सिक्स अभी इन्होंने हमें मोल्स नहीं दिया हमें दिया है सेवन फिफ्टी एम एल ऑफ जीरो अगर इसके मोल्स पता चल गए तो कंपेयर करके इसका मोलार मास निकाल सकते हैं चलो देखते हैं यहां पर मैं लिखता हूं ओके सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम देर फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी कितना दिया है जीरो पॉइंट सिक्स इंटू वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट सेवन फिफ्टी एम एल दिया है सेवन फिफ्टी एम एल दिया है तो मिली मोल्स में आंसर आएगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो सेवनटी फाइव इंटू सिक्स हो गया ना ये थर्टी और ये कितना होता है ओके बट दिस इज मिली मोल्स स्टूडेंट तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इन टू टेन टू माइनस थ्री करना पड़ेगा जीरो पॉइंट फोर फाइव तो जो दिए स्टूडेंट्स वो कितने दिए जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो पॉइंट फोर फाइव अब क्या करें आगे अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें सोचो क्या करेंगे यहां पे द मास ऑफ पोटेशियम क्या यहां पे इसका मास दिया है हाँ इसका मोलर मास तो दिया है इसका मतलब क्या है 294 ग्राम के टू सी आर टू ओ सेवन विथ सिक्स मोल्स ऑफ एफ टू प्लस बराबर ना ये स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने यहां पे लिखा तो कितना ग्राम के टू सी आर टू ओ सेवन 0.45 मोल्स ऑफ एफ टू प्लस एफ ई टू प्लस मतलब मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो देर फोर एक्स इज इक्वल्स टू टू नाइनटी फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स करते हैं मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा सिक्स जीरो पॉइंट जीरो ज़ा सेवन जा, 7 जा. जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो लगभग टू पॉइंट नाइन फोर इंटू सेवन क्या ट्वेंटी सी क्लियर तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ रहा था यहां पे सबसे पहले तो क्या नॉलेज होना चाहिए था कि भैया के टू सी आर टू ओ सेवन गेट्स कन्वर्टेड इंटू सी आर प्लस थ्री उसके बाद में मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और पता होना चाहिए था कि मोर में Fe gets converted into Fe2+ gets converted into Fe3+. फिर इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना था फिर उसको बैलेंस करना था फिर उन्होंने कितना मोल्स दिया है वो एंड स्टैंडर्ड के साथ करना था। Understood? चलो आई होप बहुत मजा आया होगा इसमें बहुत ही अच्छा एमसीक्यू क्यू है ये चलिए आगे जाते हैं H2 NH3, का इसको टू लिखता हूँ यहाँ पे थ्री लिखता हूँ Process, 30 liter of H2, 30 liter of H2 and 30 H2, H2 करेंगे इसका कितना मोल से वन तो यहां पर मैं लिखता हूँ वन वॉल्यूम यहां पर मैं लिखता हूँ थ्री वॉल्यूम और यहां पर मैं लिखता हूँ टू वॉल्यूम सबको टेन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा टेन वॉल्यूम ये थर्टी वॉल्यूम और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी वॉल्यूम क्लियर अब क्या बोला है अब जब मैंने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया वेन आई हैव लीटर हैच टू गैस मुझे कितना अमोनिया मिल रहा है ट्वेंटी लीटर ऑफ अमोनिया मिल रहा है बट इधर क्या बोला है फिफ्टी परसेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब मुझे ट्वेंटी लीटर नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना लीटर मिलेगा लीटर ही मिलेगा टेन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ट्वेंटी लीटर बनाने के लिए स्टूडेंट्स थर्टी लीटर ऑफ एच टू लगा था तो टेन बनाने के लिए कितना लगेगा उसका आधा ही लगेगा ना वॉल्यूम वापस रिपीट करता हूं ये है ना थर्टी लीटर ऑफ एच टू यू ट्वेंटी लीटर ऑफ अमोनिया बट उन्होंने क्या बोला फिफ्टी परसेंट ही बना मतलब सिर्फ टेन लीटर बना तो बीस से टेन हो गया तो तीस से क्या हो गया पंद्रह हो गया ना तो पंद्रह लीटर ही कंज्यूम हुआ बिकॉज़ लीटर ही अमोनिया आएगा आ रही है। ना अगर ये थर्टी है तो ये कितना है टेन मतलब इसका तीन गुना कम तो इसको भी डिवाइडेड बाई थ्री कर देते तो यहां पर कितना फाइव वॉल्यूम आएगा ना तो अभी मतलब क्या है रिएक्ट कौन कौन हुआ है सिर्फ फाइव वॉल्यूम ऑफ एन टू रियक्टेड विथ फिफ्टीन वॉल्यूम ऑफ एच टू टू गिव यू टेन वॉल्यूम ऑफ एन एच थ्री देखो यहां पे वन मोल है यहां पे टू मोल है पे 5 है तो उसका डबल टेन मोल है क्लियर तो ये लोग रिएक्ट किए एक्चुअली में अभी ये पता चल गया कि ये लोग रिएक्ट करके टेन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दे रहे हैं तो सल्यूशन के अंदर क्या बचा है स्टूडेंट्स टेन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मतलब टेन लीटर ऑफ अमोनिया तो 10 लीटर ऑफ अमोनिया सिर्फ एक ही केस में सी में तो वो अपना राइट आंसर होगा बाकी का भी देख लेते हैं ना एच टू कितना बट उन्होंने कितना दिया? 30 दिया ना? 30 liter, तो मतलब बचा कितना दिया? दिया, उन्होंने कितना बोला थर्टी तो बचा कितना ट्वेंटी फाइव तो देखो ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे इसमें मोल कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मूल बहुत कच्चा है कच्चे आ गए ये देख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चलिए बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू था दोनों और ये तो बहुत ही अमेजिंग था कैसे नोट डाउन करें यार आगे और भी अमेजिंग एमसीक्यूज आने वाला है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास तीन एमसीक्यूज और है एटलीस्ट आप ये दो को तो ट्राई कर ही लो क्योंकि एट वाला जो है सेवन वाला का सिमिलर है ठीक है सो so कर लिया ट्राई बढ़ते हैं फिर आगे और राइट सो क्या पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के मेन फोर रेड्यूस्ड बाई वन मूल ऑफ के आई इन अल्कलाइन मीडियम यू कैन नॉट इग्नोर दिस इन अल्कलाइन मीडियम तो देखो रेडॉक्स के वीडियो में भी मैंने बताया था चलो यहां पे भी बता देता हूं कि भैया अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 एन ओ फोर जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम एन ओ टू मतलब ये प्लस सेवन है प्लस सेवन से हो जाता है प्लस फोर एसिडिक में क्या होता है बताइए एसिडिक में क्या होता है एसिडिक <muggeben> में के एम एन ओ फोर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम एन प्लस टू मतलब प्लस सेवन से प्लस टू चला जाता है तो ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए अभी इज ऑक्सीडाइजिंग के आई तो याद रखो अल्कलाइन मीडियम में स्टूडेंट्स के आई गेट्स ना वट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन हियर के प्लस है तो आई माइनस वन होगा और यहां पे आई का निकालो तो क्या निकलेगा प्लस फाइव तो पहले तो माइनस वन से जीरो जाएगा फिर जीरो से प्लस फाइव मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज बाय सिक्स हो रहा है ना बच्चे गलती क्या कर देते हैं इंक्रीज बाय फाइव ले लेते हैं इंक्रीज बाय फाइव कब आएगा जब जीरो से प्लस फाइव गया है यहां पे जीरो से भी पहले माइनस वन से उसकी रेस शुरू हो रही है तो इट विल बी इंक्रीज बाय सिक्स यहां पे डिक्रीज बाय क्या हुआ डिक्रीज बाय क्या हुआ स्टूडेंट्स प्लस सेवन से प्लस फोर तो क्या हो गया डिक्रीज बाय थ्री तो इंक्रीज और डिक्रीज को भी बैलेंस कैसे करें के एम वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई टू सो कैसा निकलेगा अपना इक्वेशन टू के एम फोर प्लस के आई इज इसका मतलब क्या दिस विल बी द रिएक्शन आगे जो भी बने ये लोग राइट right? तो इसका मतलब क्या है टू मोल्स ऑफ के एम एनोफोर रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ के आई और अपने को पूछा क्या है वन मोल ऑफ के आई के लिए कितना के एम एन ओ फोर लग गया तो देंसर एस टू मोल्स समझ में आ गया तो आंसर इज मोल्स बी तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था कि अल्कलाइन मीडियम में के एम एन ओ फोर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होता है दूसरा क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि के आई किस में कन्वर्ट होता है के आई ओ थ्री में पोटेशियम आयोडेट राइट फिर इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना आना चाहिए उसके बाद में उसको बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करते ही आपको कितना मोल्स मोल्स कितने मौल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है वो पता चल जाएगा सपोज ये तो मीडियम में दिया अब याद रखो एसिडिक मीडियम में ना आपके डी एन एफ ब्लॉक में जो पार्ट है ना वाला उसमें भी है राइट नहीं तो फिलहाल मैं तो वैसे बता ही रहा हूं आपको कि I gets converted into I2. तो यहाँ पे माइनस वन से क्या हो रहा है जीरो पे इंक्रीज बाय कितना हो रहा है माइनस वन से जीरो तो वन लिखोगे बट एक्चुअली वन नहीं टू है ना क्योंकि आई टू है ना सो दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बाई टू तो अभी बैलेंस कैसे करोगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे टू करोगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे फाइव ताकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बैलेंस हो जाए अब देखो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज नॉट है क्योंकि यहां पर तो टू लिखना पड़ेगा ना क्योंकि आई टू है सो इनस्टेड यहां पे आ जाएगा टेन मोल्स ऑफ के आई ओके okay, ये तो एक्स्ट्रा चीज मैंने बता दी खैर दिस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाला था ओके आई होप आपको समझा होगा नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट का यूज होगा यहाँ पे टेन ग्राम एच टू एंड ओ टू वेर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड वैसे तो एच टू और ओ टू रिएक्ट नहीं करते बट उनमें कैटलिस्ट या प्लेटिनम ऐसा कुछ डाल दिया तो बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो एच टू प्लस ओ टू गिव एच टू ओ ठीक है सो so बैलेंस करने के लिए हाफ दिस इज द स्टैंडर्ड ना यहां पे कितना ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट कितना ग्राम कर रहे हैं तो काम करें आंसर uh, मोल्स में दिया है ना तो मोल्स में ही हमारा आंसर रखते हैं यहां पे कितना मोल है वन मोल यहां पे कितना मोल जीरो पॉइंट फाइव मोल और यहां पे कितना मोल बन रहा है वन मोल बन रहा है क्लियर अभी क्वेश्चन में एच कितना दिया है

किसको हमने लेजर क्वांटिटी में ऐड किया है कर लिया ट्राई ठीक है देखिए अगर ये वन मोल है तो ये कितना कर दिया फाइव मोल मतलब इसको फाइव टाइम्स कर दिया इसको अगर हम फाइव टाइम्स करेंगे तो कितना होगा टू पॉइंट फाइव मोल होना चाहिए ना बट एक्चुअली में कितना मोल डाला है सिर्फ टू मोल्स ही डाला है बात समझ में आ रहा है अगर मैं इसको फाइव टाइम्स करूंगा तो इसको भी तो फाइव टाइम्स करना चाहिए ना इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए बट यहां निकाले ना so तो देखो ना, पॉइंट 0.5 मोल ऑक्सीजन जो है कितना मोल दे रहा था वन मोल दे रहा था मतलब इसका डबल दे रहा था तो टू मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा फोर मोल देगा ना Isn't it? अगर टू मोल दिया है, तो उसका डबल देगा तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस आंसर निकालना है चलो एट वाला भी उसी के सिमिलर है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं एट वाला आपको करके आना है मैं आपको आंसर बता देता हूं सी इसका आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर मैंने सॉल्व किया एंड आई कॉट दी आंसर सी एंड लिमिटिंग रिएजेंट में के कोई भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू सॉल्व सो फटाफट इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लिमिटिंग रिएजन के क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं इनफैक्ट इन एज वेल एज इन नीट आप लोग वीडियो को पॉज करें इनको सॉल्व करें चलिए बी फास्ट बी फास्ट चलो डिस्कस करते हैं सलूसन सलूसन व्हेन 22.4 लीटर ऑफ एच टू गैस इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर सी टू ओके ईच एट एसटीपी द मोल्स ऑफ एच फॉर्म देखो क्वेश्चन जो है मोल्स में दिया पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं एच टू प्लस सी एल टू गिवस यू टू एच सी एल सो so, पे कितना मोल है मोल है, यहां पे कितना मोल है मोल, एंड पे कितने मोल so, क्या, क्या दिया है ट्वेंटी टू पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं एच टू क्या दिया है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर दिया है. तो मोल्स के लिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, करेंगे क्योंकि और सीएल टू का क्या दिया है स्टूडेंट्स इलेवन पॉइंट टू इज़ बाई तो टू पॉइंट जीरो है ये तो वन मोल दिया है बट ये जीरो पॉइंट फाइव मोल दिया है सो so आप देख के समझ ही गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट इज सी एल टू तो इसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे तो स्टूडेंट वन मोल से जीरो सी एल टू से टू मोल्स एच सी एल मिल रहा था मतलब वन तो का डबल टू तो जीरो पॉइंट फाइव का डबल क्या होगा वन होगा ना तो वन मोल आपको एच सी एल मिलेगा तो क्या पूछा है द मोल्स ऑफ एच सी एल फॉर्मड विल बी इज द एंसर वन मोल ऑफ एच सी एल सो एज अवर एंसर काफी आसान था चलिए इसको देख लीजिए अभी यहां पर ये क्या है वन ग्राम ऑफ एम जी इज बर्नड विद जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम ऑफ ओ टू चलो रिएक्शन लिखना है लिख लेते हैं। uh, Mg is burnt with O2, तो क्या मिलेगा एम जी ओ मिलेगा बैलेंस करने के लिए यहां पे टू, यहां पे टू लिख लेता बैलेंस हो गया है ना रिएक्शन चलो अभी इन्होंने ग्राम्स में दिया है ना तो हम भी स्टैंडर्ड ग्राम्स में लिखते हैं पहले मोल से लिख लेते ये टू मोल है ये कितना मोल है वन मोल है ये टू मोल्स है ठीक है एम so, जी uh, का एटोमिक मास कितना होता है ट्वेंटी फोर तो टू इंटू ट्वेंटी फोर टू इंटू ट्वेंटी फोर कितना हो गया फोर्टी एट ग्राम्स ऑफ एम जी रियक्ट 32 टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स इसको ऐड कर देते हैं ना फोर्टी एट प्लस थर्टी टू कितना होता है फिफ्टी एंड एट्टी इसका आंसर आपको एट्टी ग्राम्स आएगा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा 80 ग्राम सो दिस इज दिस इज स्टैंडर्ड मास विध थर्टी टू ग्राम ओटू टू गिव यू एटी ग्राम एम जी ओर राइट अभी इन्होंने क्या दिया है वन ग्राम ऑफ एम जी दिया है वन ग्राम दिया है इन्होंने वन ग्राम दिया है. ये है क्वेश्चन का इज बर्नड विथ जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम ऑफ ओटू क्लोज वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच तो पहले तो हमें लिमिटिंग रियजन ढूंढना होगा ना चलो कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं तो देखिए फोर्टी एट ग्राम एम जी यहां पर ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लिमिटिंग रियजन का फोर्टी एट ग्राम एम जी कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन तो जो वन ग्राम अगर एमजी लिया है तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए था यह हम देखते हैं तो एक्सिक्वल्स टू हाउ मच एक्सिकल्स टू थर्टी टू डिड बाई फोर्टी एट कितना आएगा स्टूडेंट्स ये टू से डिवाइड कर लेते टू से जाएगा फोर से भी जाएगा ना तो फोर कितने जा फोर से क्या एट से भी जाएगा ना एट फोर जा एट सिक्स ओके तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स थर्टी सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स आता है देखो कुछ समझ में आ रहा है इन्होंने जो वन ग्राम एम लिया है तो उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स बट उन्होंने कितना ऑक्सीजन दिया है सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम ऑक्सीजन ही दिया है that means what that means what this has become our limiting reagent बात समझ में आ रही है आप लोगों को Yes? चलो वापस एक बार मैं बता देता हूं सिंस द आंसर वाज इन ग्रामस तो हमने क्या किया मोल्स को ग्रामस में कन्वर्ट किया 48 ग्राम mg रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव्स यू 80 ग्राम ऑफ mgo उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में 1 ग्राम mg दिया है 0.56 ग्राम तो हमने क्या किया कि भैया वन ग्राम के साथ एक्चुअली में कितना रिएक्ट करना चाहिए तो एक्चुअली में ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स बट उन्होंने कितना दिया है सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ओके okay? तो अभी वॉट यू डू इज लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा ना बात समझ में आ रही है लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा अब ध्यान दो तो एक्सेस में क्या बचेगा ये बचेगा एक्सेस में तो अभी क्या कीजिए नहीं, 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 थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूं एक्सेस अभी इस, इसको ढूंढना है कितना एक्सेस बचा है थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन कितने एमजी के साथ रिएक्ट करता है फोर्टी एट ग्राम एम के साथ रिएक्ट करता है तो जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा तो आप एक्स ढूंढ लो जो x मिल गया आपको उसके बाद में क्या करना वन माइनस जो भी x आया दैट वुड बी योर अमाउंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्लियर आर यू गेटिंग पॉइंट दूसरे लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोडक्ट कितना बनेगा वो पूछ रहे थे जैसे इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा वो पूछ रहे थे यहां पे जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना बचा है वो पूछा है सो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या आया है एम नॉट रॉन्ग देखो ए या सी में से आंसर होगा योर आंसर वुड बी ए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा देखो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया है रेस्ट आपको सोल्व करना है राइट स्टूडेंट right, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी या उससे भी ज्यादा चले जाएंगे हर एक चीज को हम डिटेल में सोल्व करेंगे तो सो अपू यू सोल्व करिए इसको फिर आगे बढ़ता है अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन देखो हमने इंट्रो में डिस्कस किया था मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन वो सारी चीजें वो सारी चीजें अभी इन एमसीक्यूज में अप्लाई होगी सो so, वीडियो को पॉज करें शुरू करें स्टूडेंट्स तीन एमसीक्यूज है बी फास्ट ठीक है करें आगे फॉलोइंग चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर फॉर्मूला में वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो मोलारिटी विल चेंज विथ टेम्परेचर तो क्या मोलारिटी होगा नहीं मोलारिटी तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के ना वेट डज चेंज वॉल्यूम विल चेंज तो ये आंसर नहीं आएगा वेट फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट वेट थोड़ी ना चेंज होगा फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉटर ये प्रेजेंट इन वॉटर मतलब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं ना तो सी आंसर होगा मोल तो फ्रैक्शन है तो ये answer नहीं आएगा मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज ना इंस्टेड ऑफ गिविंग ग्राम यूरिया उन्होंने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया दिया देखो बड़ा सिंपल है अच्छा सबसे पहले यूरिया क्या है एनएच टू सी डबल बॉन्डो एनएच टू इसका मोलार मास कितना होता है सिक्सटी ग्राम्स पर मोल होता है ठीक है ना देखो सिक्सटी ग्राम्स में स्टूडेंट्स कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री ना तो कितना ग्राम होगा कितने मॉलिक्यूल्स में सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी इसको भी मैं टू ही ले लेता हूं तो x कितना हो गया स्टूडेंट सिक्स जीरो सॉल्व करने के तीन चार तरीके हो सकते हैं जितना सिंपल तरीका है वो मैं आपको दे रहा हूँ हो सकता है कुछ कुछ स्टेप्स जो है मैं एक दो स्टेप एक्स्ट्रा ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा शॉर्टकट है बट मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि कोई इलेवेंथ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जो कच्चा पक्का है वो भी समझ जाए इस चीज को हु? तो क्या कैंसिल हो गया सिक्स पॉइंट जीरो टू सिक्स पॉइंट जीरो टू बचा क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा सिक्सटी इंटू टेन रेस टू थ्री बच जाएगा ऊपर जाएगा तो टेन रेस टू माइनस थ्री ग्राम्स ठीक है so, सो पूछा क्या है मोलैरिटी पूछा है स्टूडेंट्स तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है गिवन मास कितना गिवन मास है 60 टू अपॉन मास कितना है 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दिया है 100 एम दिया है हंड्रेड एम एल लिख दिया बट लीटर में लिखना चाहिए तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं so, क्या कैंसिल हो रहा है अरे वाह बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है 60, 60 गया ये दो जीरो यहां से दो जीरो गए तो ये मल्टीप्लाई होके बचेगा क्या टेन रेस टू माइनस टू बोले तो कितना जीरो पॉइंट जीरो वन तो जीरो पॉइंट जीरो वन है ये yes. बी है ना क्लियर सो दिसर इज बी ना

डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू ओके सो एम वन क्या है यहां पर फोर एटी प्लस ये है वन पॉइंट टू इंटू फाइव ट्वेंटी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा थाउजेंड तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे आंसर आएगा सी ओके okay? सॉल्व करिएगा देखिएगा क्रॉस चेक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग क्योंकि डेढ़ घंटे की तक वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी आई डोंट वॉन्ट दैट राइट सो आपको पता चलेगा जब भी आया एक सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम ये है कॉन्सेंट्रेशन ये है दूसरा सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम ये है कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मिक्स किया और एक सोल्यूशन बनाया बताओ उस सोल्यूशन का मोलैरिटी क्या है तो उसमें मिक्सिंग फॉर्मूला यूज होगा अभी अगर एसिड दिया है बेस दिया है तो वहां पे प्लस नहीं आएगा वहां पे बीच में माइनस आएगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में है एसिड है या बेस है उसको लेफ्ट साइड में रखो एंड देन दूसरे से माइनस करो उसको न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं उसमें बीच में माइनस आता है क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना और वॉल्यूम में तो प्लस ही आएगा वॉल्यूम थोड़ी ना माइनस होगा दो वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं ना सो so, सिर्फ ऊपर माइनस करना है नीचे प्लस करना है कब जब एसिड और बेस हो तब और राइट right? इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं दो एमसीक्यूज और यहां पर स्टूडेंट्स मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेटेड जिसमें डेंसिटी भी दिया है ओके okay? ट्राई करिए खुद से जल्दी 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 कर ली चलो क्या दिया है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलार सोल्यूशन ऑफ एसी सबसे पहले तो एसी यूएच में लोग फंस गए होंगे एसी का मतलब क्या है ए सी का मतलब एसिटाइल एसिटाइल क्या होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ तो ओ एच का होगा ए सी ओ एच होगा सी एच थ्री सी डबल में आ रही है तो उसका डेंसिटी दिया है स्टूडेंट्स 1.02 ग्राम्स पर पॉइंट मोलारिटी पूछा है ना व्हाट इज मोलैलिटी मोलैलिटी इज वॉट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है एच टू ओ वॉटर दिया है ना इनकेजी अब क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया है हमें नहीं दिया है सर मोलालिटी दिया है वेट ऑफ वॉटर दिया है नहीं सर इन्होंने डेंसिटी दिया है नाउ स्टूडेंट्स हमें यह समझना जरूरी है कि उन्होंने मोलैरिटी दिया क्यों है नाउ 2.05 पॉइंट जीरो फाइव मोलार एसी ओ एच सल्यूशन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टू पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन थाउजेंड एम एल ऑफ सल्यूशन बात समझ में आ रही है क्योंकि मोलैरिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर अभी क्या बताओ हम वेट ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं क्या नहीं सर वेट तो दिया नहीं है बट मोल्स पता चल गया तो मोल्स कितने हैं जीरो पॉइंट सॉरी टू पॉइंट जीरो फाइव इंटू मोलार मास कितना होता है एसिटिक एसिड का सिक्सटी ग्राम्स पर मोल बराबर क्या नहीं आ, इसका यूनिट क्या होता है टू का यूनिट क्या होता है मोल्स पर लीटर ना मोलैरिटी का यूनिट नहीं ये तो 2.05 पॉइंट जीरो फाइव मोल्स विल कंसिडर ओनली मोल्स मोल्स और इनटू क्या करेंगे 60 ग्राम्स पर मोल 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 कैंसिल हो जाएगा ग्राम्स बचेगा तो क्या करते हैं 20.5 पॉइंट फाइव इंटू तो कितना आ जाएगा थर्टी थ्री वन ट्वेंटी थ्री ग्राम्स कितना आया वन ट्वेंटी थ्री ग्राम्स बट सर आपने वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्यों निकाला हमें तो वेट ऑफ वाटर चाहिए ना देखो सॉल्यूशन में से सल्यूट को माइनस कर देंगे तो वाटर का मास मिल जाएगा ना अब मुझे बताओ वेट ऑफ अच्छा डेंसिटी दिया है ना डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ चलो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो देर मास कितना होगा डेंसिटी इन वॉल्यूम बताओ डेंसिटी कितना दिया है सोल्यूशन का 1.02 दिया और वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का सर वो तो दिया नहीं है अरे मेरे भाई बट यहां पे निकाल लिया ना थाउजेंड एम तो बताओ कितना हो जाएगा ये 1020 ग्राम्स। अब देखो स्टूडेंट्स हमें वेट ऑफ एच टू कैसे मिलेगा पूरे सोल्यूशन का वेट कितना है 1020 और उसमें से एसिटिक एसिड का वेट कितना है 123 तो चलो माइनस करते हैं सेवन ये कितना आ जाएगा ये आगे हो जाएगा कितना ग्यारह ग्यारह में से दो निकालो तो कितना होता है हो जाएगा यहाँ पे और ये नाइन एटेंट एट नाइनटी सेवन आएगा यहाँ नॉट रॉन्ग इफ एम नॉट रॉन्ग यस एट नाइनटी सेवन तो वेट ऑफ वॉटर मिल गया स्टूडेंट्स अभी इस फॉर्मूला में अप्लाई करता है एम इजिक्वल्स टू गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स मोल्स कितना दिया है टू पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 897 नाइन है तो ग्राम्स में केजी में चाहिए तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय बाईजेंड अब ये टू 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 कितने फोर्जा, फोर्जा और फोर फोर्टी एट पॉइंट फाइव तो अगर आप थाउजेंड देखो तो ऑलमोस्ट इसका डबल है ना मतलब टू पॉइंट कुछ ना आए कुछ तो आंसर आएगा तो आंसर है टू पॉइंट कुछ तो आंसर so क्या आएगा डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देखो डेंसिटी जब भी आए ना स्टूडेंट्स तो याद रखो डेंसिटी क्यों दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम वेट ऑफ सोल्यूशन ढूंढने के लिए दिया जाता है बराबर मोलैरिटी से क्या निकाला हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला और नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकाला वेट ऑफ एसिटिक एसिड और माइनस करके अपने को सॉल्वेंट का मिल गया फिर फॉर्मूला में हमने डाल दिया गुड एनफ राइट आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा चलिए सुना नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं वापस से डेंसिटी दिया वन 120 ग्राम ऑफ यूरिया ओके वेट ऑफ यूरिया दिया है स्टूडेंट्स यूरिया दिया है कितना दिया है 120 ग्राम इन थाउजेंड ग्राम ऑफ एच टू और वेट ऑफ एच टू दिया है कितना थाउजेंड ग्राम

तो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी मास कितना है सर मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया बट यूरिया का मास दिया है और वाटर का मास दिया है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का आ जाएगा ना तो ये ट्वेंटी आ जाएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया है स्टूडेंट्स वन पॉइंट वन फाइव इज इन रेट अपने को एम में आंसर आ जाएगा तो डिवाइड करे क्या डिवाइड करे क्या डिवाइड करेगा करे तो अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली वन दिख रहा है आपको है ना अप्रोक्सीमेटली वन दिख रहा है अगर हम इसको ऐसे करें देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे कर रहा हूं मैं तीन डिजिट आगे यहां पे डेसिमल रख देता हूं तो इन टू टेन रेज टू थ्री हो जाएगा तो दिस इज ऑलमोस्ट सेम ना तो कैंसिल होके बचेगा क्या टेन रेज टू थ्री टेन रेस टू थ्री बोले तो क्या थाउजेंड एम एल बचेगा दिस इज वॉट वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन ये मिल गया चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है सर यूरिया तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मास कितना यूरिया का सिक्सटी धीरे धीरे आप मोलार मास की आदत हो जाएगी यूरिया का एसिटिक एसिड का नाइनटी एट एन एच का फोर्टी कार्बन डाइऑक्साइड का फोर्टी फोर ऐसे जैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको भी आदत आ जाएगी तो यहाँ पे टू मोल्स दिया है तो बताइए मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम कितना आ गया वॉल्यूम आ गया थाउजेंड ना

सर ओनली डेंसिटी डेंसिटी इज गिवन सिर्फ density से मोलारिटी कैसे ढूंढे कैसे ढूंढे ओके okay. यहां पर देखो मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है लिक्विड एच सी एल लिक्विड एच सी एल का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट वेड बाई वेड एच सी एल तो अगर ये इंफॉर्मेशन पता है तो ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इसका मतलब क्या है 100 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब पूरा का पूरा HCl ही है चलो मोलारिटी का फॉर्मूला ढूंढते हैं मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन मास कितना है 100 मोलर मास कितना है HCl का 1 35.5 36.5 इनटू डेंसिटी इज इक्व टू मास अपॉन वॉल्यूम्यूम इज इक्स टू मासिटी मास कितना है सोलूशन का हंड्रेडिटी कितना है? Into 1000 कर देते हैं क्योंकि चलिए तो कैंसल हो रहा है हंड्रेड हंड्रेड बहुत है बढ़िया इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मोलरिटी इज इक्ल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट वन वन सेवन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 117 डिवाइडेड बाय 3.65 इजंट इट तो 3 के टेबल में डिवाइड करते हैं इसको 3 1.2 ले लेते हैं 1.21 ऊपर क्या आ जाएगा 3 39 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके इसको मैं लिख लेता हूं 390 और नीचे लिख लेता हूं 12.1 विच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 तो 12 कितने जा 3 जा 36 थर्टी सिक्स में चार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है थर्टी थ्री थर्टी थ्री के अराउंड थर्टी थ्री के अराउंड ओके okay? थोड़ा सा किया है, मैंने 33 के सबसे किया है? तो यहां पे क्या चीज सीखा है? हमने लिक्विड एच सी एल का मतलब हंड्रेड परसेंट वेट बाय वेट एच सी एल चलो आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलाल एक्वस सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट सल्यूट को बी लिख लेता हूं मैं सॉल्वेंट को ए सल्यूट को बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वन मोलाल एक्वस सोल्यूशन देखो स्टूडेंट्स वन मोलाल का मतलब क्या होता है यहां पे मैं लिखता हूं ओके वन मोलाल का मतलब क्या होता है वन मोल ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ वॉटर या सॉल्वेंट वन मोलाल का मतलब ये होता है तो बताओ नंबर ऑफ सल्यूट पता है क्या हमें ऑफ सल्यूट कितना है number of moles of solute कितना है? है? तो क्या दिया नहीं बट बट सर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन सॉरी गिवन मास कितना है वन के जी थाउजेंड अपॉन तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एटीन ऊपर चला जाएगा और एक हज़ार अठारह आ जाएगा एक हज़ार अठारह डेट क्या करता हूँ अभी मैं देख ध्यान से देखिएगा इसको मैं तीन डेसिमल छोटा करता हूँ तो इंटू टेन रेस टू थ्री लिखना पड़ेगा सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन तो आंसर क्या आएगा एटीन इंटू टेन रेस टू ऊपर आ जाएगा तो माइनस थ्री विच इज़ इज इक्वल्स टू हाउ मच जीरो पॉइंट ज़ीरो वन एट ऐसा कुछ आंसर आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो वन एट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो आ रहा है ना सो सी इज अवर आंसर इट स्टूडेंट्स इट सो यहां पे भी सी आया तो आगे बढ़ते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लस ऑन मिक्सिंग 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 फॉर्मूला इसके पहले भी किया था 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl एंड 100 ml 0.1 मोलर Na2SO4 फोर देखो अभी स्टूडेंट्स बच्चा लोग देखो NaCl डिसोशिएट होगा तो Na+ देगा और Cl- देगा बट Na2SO4 अगर डिसोशिएट होगा तो 2Na+ देगा और SO4- देगा मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका 2C आएगा और इसका C आएगा इजंट इट आई होप आयोनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है ये C होगा तो ये डबल मिल रहा है 2C होगा अब देखो मिक्सिंग फार्मूला क्या है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस िटी कितना दिया है पहले वाले का जीरो पॉइंट वन इन टू हंड्रेड प्लस एक काम करते है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफ यूजिंग मोलैरिटी ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऐसे भी कर सकते आप एन एन ऑफ मिक्सर इज इक्वल्स टू एन वन वी वन वैसा भी कर सकते हो राइट अभी देखो मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी

टू हंड्रेड द्री बाई ट्वेंटी इतना क्लियर हो गया ओके बट पूछा क्या है आयोनिक स्ट्रेंथ पूछा है आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस नहीं अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा होता तो यहां पे एम MMM एम 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 होता मोलैरिटी होता आयोनिक स्ट्रेंथ सर व्हाट इज आयोनिक स्ट्रेंथ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन प्लस क्या है स्टूडेंट्स द इज हाफ इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर ये नया फॉर्मूला है आप कहीं पे नोट्स में लिख लीजिएगा स्ट्रेंथ देखो बोले तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आया थ्री बाई ट्वेंटी जेड स्क्वायर का मतलब क्या है मतलब वैलेंसी एने का वैलेंसी क्या है वन तो वन स्क्वायर आएगा ना तो कितना हो गया स्टूडेंट्स यहां पे थ्री बाई फोर्टी इज द एंसर तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थर्टी कितने जाएगा नाइन जाएगा जा जा ना mm. नहीं नहीं नाइन जा नहीं एट mm. जा एट 8 सेवन भी जीरो पॉइंट जीरो सेवन प्रेजेंटेड जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो आंसर तो क्या आ रहा है यहाँ पे आगे जाके फाइव भी कैरी ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर है आपका डी कर द आंसर तो यहाँ पे क्या नई चीज सीखी आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na प्लस ओके दैट इज़ हाफ इनटू सी इनटू जे स्क्वायर सो यू विल गेट जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव दैट इज़ डी सो नोट डाउन करें इसको स्टूडेंट्स सो हेयर वी आर विद द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ओके okay? सो न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे ऑग्जालिक एसिड एंड के एमएनो के टाइट्रेशन में ऑग्जालिक एसिड एंड के एमएनो के टाइट्रेशन में वी एड एच टू एसओ आपने भी ऐड किया होगा टाइट्रेशन में एक टेस्ट ट्यूब एच टू एसओ तो फोर फिफ्टीन एम एल या ट्वेंटी एम एल बट एक क्वेश्चन आता है कि एच सी एल क्यू नहीं ऐड कर सकते है? तो इसके रिलेटेड एमसी क्यू तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है डिस्कस किया हुआ है कि एच सी एल क्या करता है के एमएनओ फोर को पहले ही एम एन प्लस टू में कन्वर्ट कर देता है आई होप वो Redox, redox reaction में भी हमने ये question किया है okay? I hope वो आपने वीडियो देखा है चलिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है इसको discuss करते हैं। होता है इसके, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो यहां पर टाइट्रेशन हो रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का और एच सी एल का टाइटर वैल्यूज थर्टी फाइव एम एल तो देखिए सपोज ये आपके पास है ब्यूरेट ओके okay, यहाँ पे है कॉनिकल फ्लास्क तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 25 ml क्या था बेरियम हाइड्रोक्साइड HCl HCl का टाइटर वैल्यू क्या आया 35 ml टाइट्रेशन विद 0.1 और इसका कंसंट्रेशन भी है 0.1 मोलर ये किसके बारे में HCl मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इसका मोलैरिटी क्या होगा ये ढूंढना है तो देखो दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना बराबर बट इसका मोलैरिटी पता नहीं है ओके okay? तो मिक्सिंग फार्मूला यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे आएगा डाइल्यूशन फार्मूला स्टूडेंट्स वॉट इज डाइल्यूशन फार्मूला एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू एम वन वी वन कब यूज करो तब जब दोनों के दोनों की बेसिसिटी या एसिडिटी सेम हो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स तो ये एच सी एल है दिस इज मोनो बेसिक एसिड एक ही एच प्लस देता है बट ये तो दो एच माइनस देता है ना तो इसके लिए आप क्या यूज करो एन वन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू वी टू अब देखिए यहां पे जो मोलैरिटी होगा वही उसका नॉर्मैलिटी होगा ना क्योंकि एक ही एच प्लस है बट यहां मोलैरिटी अब यहां पर एक्स क्या है टू और मोलैरिटी क्या है दो एच माइनस दे सकता है ना सो नॉर्मैलिटी इज टू एम स्टूडेंट सो पहले एच सी पहले क्या करे पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिख लेता okay? Molar, कितना है टू एम और वॉल्यूम कितना है इसका ट्वेंटी फाइव एम एल एन टू वी टू एन टू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो पॉइंट वन और वॉल्यूम कितना दिया है थर्टी फाइव एम एल सो ये क्या हो जाएगा फिफ्टी एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव तो एम इजल्स टू थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी ओके कितना हो जा रहा है अगर मैं इसको क्या कंसिडर फाइव के टेबल से डिवाइड करें तो ये टेन टाइम्स ये जीरो पॉइंट सेवन टाइम्स ओके तो ये क्या हो गया? 10, 0 0.7 डिवाइडेड बाय 10, विच इज नथिंग बट 0.07, 0.07. व्हाट इज योर आंसर सी? अंडरस्टूड अगर देखो यहाँ पर HCl होता और NaOH होता, तो ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि HCl और NaOH वो मोनोबेसिक और NaOH मोनो एसिडिक बेस बात समझ में आ रही है तो एम वन वी वन इज इकोल्स टू एम टू वी टू फार्मूला यूज़ कर लेते बट सिंस यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी सेम नहीं था इसलिए एन वन वी वन के और नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है वो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर अंडरस्ट और राइट स्टूडेंट सो ये था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें बहुत ही अजीब वो गरीब एम सी क्यूज आते हैं बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है बट आई एम श्योर ये वीडियो के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा इस चैप्टर में राइट right. इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसके कुछ टाइम बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है सो मेक श्योर आप उस अनाउंसमेंट को देखें उस अनाउंसमेंट में कुछ ऐसा है आ, आप अगर जेई और नीट देने वाले हो कुछ टाइम के बाद तो कैसे इलेवेंथ और ट्वेल्थ के अगर दोनों चैप्टर मिलाए जाए तो लगभग 11 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कैसे विद इन वन वीक या 10 डेज में वो 11 के 11 चैप्टर में आप मास्टरी करो तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं उस वीडियो में मेक श्योर sure आप वो वीडियो देखना एंड ये चैप्टर में तो आपको मजा आ ही गया होगा सो इफ यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूं यार लाइक like करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो नहीं मैं जाऊंगा नहीं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो करिए ठीक है सो मेक श्योर यू स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल स्टूडेंट्स मिलते हैं वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय